जीवन की अनमोल यादें, कामयाबी का सुखद अनुभव, बस यही अपना सरमाया, देश के लिए खेले, देश के लिए जीते, यूं दुनिया में हमने नाम कमाया। आज जब हर तरफ वर्ल्ड कप की बहार है, क्रिकेट की धूम मची है, हमें बेहद खुशी हो रही है आपको भारत के एक नामी खानदानी स्टार क्रिकेटर से मिलवाते हुए, मोहिंदर अमरनाथ। आज पता चला कि आपके सरनेम इज भरद्वाज, अमरनाथ। जी हाँ, एक्चुअली ये भी एक कहानी है कि जो फादर ने अपना नाम था वो अमरनाथ ही रखा राइट थ्रू। अच्छा। तो लाला उनका निकनेम था और अमरनाथ उनका नाम था, तो जब वो खेलते थे तो उनको लाला अमरनाथ के नाम से जानते थे लोग। अच्छा। तो फिर वो उनका नाम जो था वो सरनेम में फिर बदल गया। और निकनेम आपका भी रख दिया जिमी? नहीं, एक्चुअली हम तीनों भाइयों के निकनेम हैं। मैं मोहिंदर हूँ, जिमी हूँ, सुरेंदर हैं वो टॉमी हैं, राजेंद्र हैं वो जॉनी हैं। तो यू नो, टॉम, जिम एंड जॉन। अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। योर फादर वाज मोर ऑफ द आर्मी के जो जनरल की तरह होते थे ना? हाँ जी, बहुत टच था, वो भी था, स्ट्रिक्ट थे और थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी बहुत था उन पे, क्योंकि वो महाराजाओं का वक्त था उस टाइम, अपने जमाने के राजा थे, खुद जमाने के खुद राजा थे जी। अच्छा, इससे पहले मैं आगे कुछ बातें करूँ, आपकी कुछ गोल्डन मोमेंट्स देखते हैं। What a beautiful history you have. अच्छा, आपसे बात कर रहा था डैडी के बारे में, तो लाला जी तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, तो क्या आप कुछ डैडी को बोलना होता था या कुछ मनवाना होता था, कहीं पिक्चर ही जानी होती है पिकनिक पे, तो आप डायरेक्ट बोलते थे या किसी और से? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे कुछ कह सकें और मांग सकें, क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे पर बहुत पाबंदियाँ थीं, बट जहाँ तक क्रिकेट का सवाल था उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई हीट स्ट्रोक नहीं, कोई हीट स्ट्रोक नहीं, कोई प्रॉब्लम कि आप खेलो क्रिकेट सारे टाइम खेलो। हाँ, तो आप मतलब किन से बात करते थे कि मम्मी ज़रा मेरा ये काम करवा दो? नहीं, एक्चुअली जब फादर टूर पे होते थे तब हम लोग ऐश करते थे, ऑनेस्टली। बट यू वर क्लोजर टू योर मॉम और पॉप? नहीं, दोनों ही एक्चुअली। फादर से बहुत मोहब्बत थी बट डर बहुत लगता था उनसे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल थी। और मदर से बहुत मोहब्बत थी, प्यार थी, क्योंकि उनके साथ ही हम रहते थे हर वक्त। और जिन जो आपसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और आप जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आज हमारे खास मेहमान हैं, उन्हें बुलाते हैं। आइए प्लीज। वेलकम टू जीना इसी का नाम हैदर आज।
Thank you for coming. Welcome to Jeena Isi ka naam hai. ये आपकी छोटी बहन, ये आपकी बड़ी बहन कमला, कमला डॉली, डॉली जी. सो ये आपकी सिस्टर है जिन्होंने बहुत ही आपके साथ होली खेली थी और बैट बैट को भी रंग दिया. जी हाँ, बचपन में खेलते थे, रंग दे बसंती चोला. तो बैट को भी रंग दिया था, क्या किया था आपने? एक्चुअली होली खेलते थे तो जिमी हम सबके बहुत क्लोज है और सबको ही बहुत प्यार करते हैं. सो मैं इनसे छोटी थी तो थोड़ी बिगड़ी हुई भी थी एंड होली में बस वो मस्ती में ना इनका फेवरेट बैट था और मेरे से ना उस पर रंग फेंक हो गया था. जानबूझ के फेंका था कि नहीं, फेंक हो गया था पर इन्होंने मुझे डांटा नहीं था, उल्टा बहुत प्यार से समझाया भी था. नहीं नहीं, ये तो आप ऐसे कैमरे के सामने बोल रही हैं. नहीं नहीं, लाइक जिमी ने मुझे कभी नहीं डांटा, दिस इज अ फैक्ट. बहुत प्यार से रखा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और कमला जी आपकी बड़ी बहन, जो आप इनके बचपन में इन्हीं के साथ सोते थे. जी हाँ, और नहाने से क्यों ये डरते थे, जरा बताइए. पता नहीं, ये खेलने में बहुत बिजी रहता था. खेलने में रहता था तो इसको पकड़ना पड़ता था हमको कि नहा लो, तो ये मानता नहीं था. पकड़ के नहलाते थे इसको. फिर आपसे एक बात पूछी थी, आपने तो इन्हें बनाया, तो आप कह रही थी 3 साल की उम्र के बाद माँ का जो रोल, उसके बारे में आप बताएंगे, तो उसके बाद में आपसे वो 10 रुपए वाली भी बात पूछूंगा. तो करते बाद में पूछूंगा. कहते ना, बच्चा माँ से लाड नहीं करे तो किसे, मन नजायज लाड किया ना. कि 10 रुपए दिए मैंने इसको, तो मैंने कहा बेटा टॉफी खाया. थोड़ी देर बाद फिर मम्मी 10 रुपए. मैंने कहा क्यों? तो ये सिस्टर से इसने मांगे कि 10 रुपए दो. मैंने कहा अभी तो दिए हैं, खत्म हो गए. अरे मैंने कहा कैसे खत्म हो गए? खत्म हो गए मम्मी, तो और चाहिए नहीं तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा. अच्छा, 10 रुपए और नहीं देखे तो नीचे कूद पड़ो. सेकंड फ्लोर से. हाँ, सेकंड फ्लोर से पटेले में थे हम लोग, मतलब सेकंड फ्लोर तक काफी ऊंची बिल्डिंग थी. मैंने कहा ठीक है, मुझे चढ़ गया गुस्सा. मैंने कहा बेटा पैसे तो मैंने भी नहीं देने. तो मैंने इन बहनों कहते मम्मी दे दो. मैंने कहा नहीं, इन सबको मैंने बाहर निकाला, दरवाजा लॉक किया. हाँ, मैंने कहा जमी पैसे चाहिए? कहते हाँ. मैंने कहा पैसे नीचे कूदना? कहते कूदो. ये जंगला निकला, ऐसे बॉर्डर निकला, कूद रहा हूँ. मैंने कहा कूदो. मैंने कहा बेटा सेकंड फ्लोर है, सोच लो. तो जो पुरानी बिल्डिंग थी, ईंट निकल गई. ईंट निकलने के बाद इसको लगा कि मम्मी शायद लिहाज कर लें. तो कहता मम्मी मैं कूद पड़ूँ? मैंने कहा बेटा जी बहुत देर हो गई मुझे इंतजार की, या तो तुम कूदो नहीं तो मैं धक्का दे. या तो तुम कूदो नहीं तो मैं धक्का मार दूंगी. फिर तो फिर उसके बाद नहीं जिद्द की. फिर जिद्द किया कभी? रामायण महाभारत करने की वजह से इसका ये था कि मेरे पापा के पास जब मैं गई, अगर इसको कोई चीज नहीं मिली तो इसने उठा के चीज दूसरे के मुंह पर मार देनी. दे मेरे मतलब. हाँ, जो चीज आएगी आपके मुंह पर मार देगा, नहीं ये चीज दे तो नहीं तो खोपड़ी फाड़ देगा. अरे तो व्हाट डेंजरस. ऐसा लगता है. नहीं नहीं, बचपन में कर, बचपन में, बाद में मम्मी ने ठीक किया. नहीं नहीं, सुनिए ना. फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई अब टाइम बहुत टाइट करने का. ऐसा इंसान बना कि देश की भी सेवा करके जो मैं नहीं कर सकी वो मेरे बच्चे का. बड़ी बात क्या. डैडी का इसमें कितना हाथ है इनको इंसान बनाने में? बहुत हाथ है. वो तो इतने सख्त थे, दिन रात नहीं इतना देखते नहीं, ये नहीं देखते थे कि अपना बच्चा. सब डरते थे डैडी से. डैडी से क्या, हमारे कुत्ते भी नहीं भौंकते थे. कुत्ते भी नहीं भौंकते थे. लेकिन कुत्ते भी नहीं भौंकते. कुछ तस्वीरें दिखाते हैं? हाँ जरूर. अरे वाह, जब बैट को रंग किया था. आइए. सो डॉली जी, कैसे लगता है आपको बचपन में जिसको आपने देखा, जो रंग के उससे झगड़ा करते हुए आज इन्होंने इतना नाम कमाया, वर्ल्ड कप ले आए, व्हाट यू हैव टू से अबाउट हिम? आपका रिलेशन क्या है? एक्चुअली भाई तो मेरे बड़े हैं पर हम आपस में बहुत क्लोज रहे हैं शुरू से. इनफैक्ट जब ये टेस्ट खेलते थे और इसको चोटें लगती थी तो मैं इसके लिए फास्ट रखा करती थी एंड यही मांगा करती थी. वेलकम बैक जीना इसी का नाम है. मैं हम मोहिंदर जी से बातें कर रहे हैं. इससे पहले कि मैं कुछ और सवाल पूछूं, एक आपसे
एक शख्स वहाँ बैठे ग्रीन रूम में, वो कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने आपको डैडी से बहुत मार खिलवाई थी, इसलिए खिलवाई थी इसलिए खिलवाई थी कि आप उनको पिक्चर नहीं लेके गए थे। उन्होंने भी यहाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की थी। आप बता सकते हैं कौन है वो? हाँ जी, मेरे छोटे भाई हैं। बुलाइए उस जॉनी। जॉनी वेलकम। क्या है भाई, अभी बात कर रहा था इनसे कि इन्होंने कुछ 50-60 बार या 100 बार रीगल में किया। कौन सी फिल्म देख ली थी? हाँ, संपूर्ण रामायण। तो आपने क्या किया था, वो बात कर रहे थे आप उससे? ऐसा था कि ये महाशय बड़े महाराज सुरेंद्र, अच्छा, और ये छोटे महाराज। छोटे महाराज को कहते हैं आपने? छोटे महाराज, वो बड़े महाराज सुरेंद्र है, लॉर्ड हैं दोनों। हाँ, दोनों ही अपने तरह के महाराज हैं। तो सुबह सुबह ये स्कूल निकल जाते थे और दोपहर में वापस आ जाते थे। तो मम्मी कहती है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, सुबह जाते हैं, दोपहर में आते हैं, गर्मी में आते हैं, थके आते हैं, तो उनको खाना पीना खूब मिल रहा था। तो कोई हफ्ते 10 दिन के, अब 2 हफ्ते हो गए होंगे, तो ये आपस में बात कर रहे थे, डायलॉग्स बोल रहे थे एक दूसरे को। पिक्चर के डायलॉग्स बोल रहे, रिहर्सल चल रहे हैं। हाँ, बोल रहे थे कि वो देखो तीर चलता है और रावण का गर्दन ऐसे कटती है, ऐसे चली जाती है। तो इतना इनको सब डायलॉग याद थे। तो मैंने पूछा इनसे, भाई क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं छोटा था, पीछे पड़ गया। पिक्चर की बात हो रही है, कौन सी पिक्चर? नाम बताया। तुम्हें कैसे मालूम है? चुके साहब देखते हैं, घर में नहीं बताना। मैंने कहा मुझे भी लेके चलो। बोले नहीं नहीं, तुम तो स्कूल जाते नहीं हो, हम तो स्कूल जाने के बहाने से निकल जाते हैं थिएटर में, तुम्हें कैसे ले जाएंगे? तुम्हें कैसे ले जाएंगे? सच बोल दिया ना, प्रॉब्लम। तो पापा आए किसी टूर से, पाकिस्तान से आए, और बहुत मूड खराब था उनका। सामान रखा और कुछ बोलने से पहले मैंने बोला, पापा टॉमी जिमी तो पिक्चर जाते हैं, पिक्चर से बड़ी नफरत थी उनको। कहाँ है दोनों? तो वो खड़े हैं, ये आगे आगे, पापा पीछे पीछे, क्रिकेट बैट हाथ में, पीछे पीछे, जो अपना जो उनके शब्द होते थे तो पीछे पीछे, ये तो नानी के पीछे जाके छुप के तो बच गए। अरे उसके बाद पापा ने बोला नहीं, दिल्ली में नहीं रहेंगे। अगले दिन बिस्तरा बांधा, इनको जलंधर स्कूल में डाल दिया, यहाँ पे इनका क्रिकेट करियर बना। लेकिन आप कुछ कह रहे थे बचपन में इसको गाना सिखाया था, वो बसंती चोलाला सुना दे जरा। चलिए जी, मैं गा देता हूँ, क्योंकि हम बचपन में एक्चुअली सब जब छोटे थे तो मम्मी के साथ बैठ के बिना का गीत माला वगैरह सुना करते थे, और इनको बहुत म्यूजिक का शौक है, और अभी भी मम्मी को, जी हाँ, टेलीविजन पे या रेडियो पे तो म्यूजिक हमेशा ही रहता है। वेरी गुड। और फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था म्यूजिक, तो मतलब कि उनको खाली जो प्रेम था सबसे बड़ी चीज़ थी उनके लिए, मेरे ख्याल से मम्मी हमारी थी और क्रिकेट। 5 रुपए का आपका किस्सा सुना रहे हैं कि 5 रुपए आपने कैसे कमाए थे, वो मिमिक्री हो साड़ी पहन के, सर आप बताइए। हमारे ग्रैंडफादर थे अबाउट 92-93 ईयर्स ओल्ड, तो मोस्टली विलेज में रहते थे पंजाब में, विंटर्स में आ जाते थे। तो वो 6 फुट के थे, बिल्कुल सीधे रहते थे। तो एक बारी वो आए तो इन्होंने सोचा कि चलो बाबा जी को कुछ मजाक किया जाए, तो इन्होंने मम्मी की साड़ी ली और लपेट ली अपना, और बाबा जी बैठे हुए थे सिस्टर के साथ गए और उनके पांव। कौन सी बहन के साथ गए? ये आई थिंक यही बड़ी वाली थे, बड़े इनके साथ गए और पांव छू दिया। उन्होंने सोचा शायद होने वाली बहू है, तो उन्होंने 5 रुपए का भाड़ा कर दिया। बाहर के इनको 5 रुपए दे दी और ये हंस पड़े, जो हंस पड़े तो आवाज इनकी निकली। और जो हंस क्यों पड़ा भाई, मार पड़ी ना, हंस पड़ा। तो कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास आपकी, देखिए। जी का गाना सुना, बहुत मजा आया। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपके बड़े राजा कुछ कहना चाहते हैं आपसे, देखिए। जिमी तुम्हें याद है कि हम लोग डैडी को स्मोक करते देखते थे और
उनको उनकी नकल करने के लिए घर के पास एक पेड़ होता था जहाँ पर वो पतली पतली बेल्स लगी होती थी, हम लोग उसको काट के एग्जैक्टली सिगरेट के साइज का और पास में जो ड्रेनेज पाइप पड़े रहते थे बाहर, वहाँ छुप के डैडी से स्मोक किया करते थे। ये एक ऐसा यादगार है जो आई थिंक तुम भी नहीं भूले होगे। क्रिकेट के अलावा ये एक ऐसा मतलब यादगार मुझे हमेशा याद रहती है, जो ऑन एंड ऑफ मैं इसके बारे में सोचता हूँ और काफी हंसता रहता हूँ। बड़े भाई बिल्कुल जी, मुझे याद है कि हम यहाँ दिल्ली में रहते थे जो रेलवे बंगलोस था, तो वहाँ पे हम दोनों ये काट के अपना बेलें अपना उसका डैडी को मतलब सिगार पीते देखते थे, सिगरेट पीते तो नकल करते थे। ये तो कुछ नहीं, इससे पहले हम आई थिंक मेरे ख्याल से सुरेंद्र 8 साल का होगा, मैं हमारा फ़र्क 2 साल का है तो मैं 6 साल का, तो उस टाइम ये सिगरेट आते थे काफ़ी सस्ते 4 मीनार के, तो हम लोग घर से पैसे लेके मम्मी से बोलते थे कि हम जा रहे हैं कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी है, तो हम वो डब्बी सिगरेट की खरीद लेते थे दोनों छोटे छोटे, पता नहीं था क्या कर रहे हैं अपना, और वो ये बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप्स हुआ करते थे उसमें बैठ के छुप के फट 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 अपना सूटे मारने जल्दी से और एक के बाद एक करके ना सिगरेट पी के डब्बी वहाँ फेंक के वापस। मतलब शौक था कि सिगरेट लोग क्यों पीते हैं कि सब कुछ कर लें कि रह ना जाए कुछ ही। बात बताइए, आपने यहाँ दिल्ली से जलंधर, जलंधर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, आपने काफ़ी पूरा सर्कल किया, तो ये स्कूल इतने क्यों बदले आप? एक्चुअली जी हम पढ़ते नहीं थे। मैं भी इसके अभी और क्या पूछूंगा, मैं पढ़ते नहीं थे, खेलते थे। अच्छा, ये जलंधर में आपके एक क्लासमेट कुछ कहना चाहते हैं आपसे। महेंद्र जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मैं और आप 9th और 10th में इकट्ठे पढ़े, मेरे पिताजी होस्टल वार्डन थे, आप क्रिकेट के सम्राट बन गए और मैं इस वक्त साईं दास ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की। मुझे आप पे बहुत गर्व है, आपने देश का नाम क्रिकेट में ऊंचा किया, वर्ल्ड कप को जीता। मैं अपना जीवन तभी सार्थक समझूंगा अगर आप जैसे नामी प्लेयर अपने स्कूल में पैदा कर सकूं। अरे वाह। स्कूल मुझे याद है जी कि जो मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई अपने जीवन की, वो साईं दास एंग्लो संस्कृत हायर सेकेंडरी स्कूल जो पटेल चौक जलंधर सिटी में मौजूद है। आपने रणजी ट्रॉफी जो पहली बार जब आपने खेला जी, आपको जब मौका मिला, दैट वाज ये स्कूल जब आप छोड़ चुके थे? नहीं जी, मैं तब स्कूल में ही था एक तरह से। नहीं, स्कूल में नहीं, नहीं स्कूल से मैं, ये तो अब आपके दोस्त प्रिंसिपल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, अमृतसर, वहाँ तब के एक दोस्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं। हाँ जिमी पा, क्या बात है यार, मुझे अभी भी वो यार वो पल याद आ रहे हैं जब हम दोनों इकट्ठे रणजी ट्रॉफी के नेट्स पे प्रैक्टिस किया करते थे। मुझे वो भी दिन याद है जब मैंने तुझे आउट किया और तूने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कसम से वो दिन अभी भी मैंने अपने दिल पे लिखा हुआ है। जिस बात के ऊपर सारी दुनिया फिदा है उसके अब तो मैं भी बहुत दीवाना हूँ, और जिस तरीके से तेरा जेब के बीच में लाल रुमाल रखना वो तो एक बहुत बढ़िया अंदाज है, और मैं अपने बच्चों से भी अपने ट्रेनी से भी मैं यही कहता हूँ, अगर क्रिकेट खेलनी है तो जिमी पा जैसी खेल के दिखाओ यार, पता चले जो जुनून तुम में है यार वो किसी में भी नहीं था। मैंने बड़ी खुशी होती यार तेन तेरी गल सुन के, मैं अपने बच्चों को भी दसदा तेरी गल सुन के, मेरी बेसी बड़ी खुश होती है। कभी कभी जो मक्खन ना रोटी तेन भेजती मैं लैके जाता तेरे वास्ते मक्खन रोटी, वो बड़ी मैं बड़ी खुश होती तेरी तेरी गल सुन के। हाँ जी बिल्कुल, बीर सिंह बांगे साहब ये डीएवी कॉलेज में थे, ये हमारे आपके कोच थे ना? जी हाँ बिल्कुल, हमारे कोच थे, हमारे क्रिकेट को देखते थे, और जब मैच होते थे मैच नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत नर्वस हो जाते थे, दुआएं करते थे अपना यू नो कि रब से कि टीम अच्छा करे, अगर मैच पीछे चल रहा है तो इनकी पीठ होती थी उस तरफ, मतलब कि आँखों से नहीं देख सकते थे, मगर मेरे क्रिकेट में इन्होंने बहुत मदद की, हर तरह से हमें प्यार दिया, मोहब्बत किया, और जब भी हम कॉलेज की टीम जाती थी कहीं भी खेलने तो ये हमारे साथ हमेशा रहे। ये तो इससे पहले का मैसेज था, वो आपके रणजी के पार्टनर? जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है बिल्कुल। तो ये दिन एक्चुअली मैं वो दिन बहुत याद करता हूँ, और मुझे जब वो दिन याद आते मुझे कॉलेज डेज भी याद आए थे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको छोटी सी उसकी, कि हम लोग क्रिकेट वाले जितने भी हमारे खिलाड़ी थे कोई पढ़ता नहीं था,
और किसी को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। मुझे ये भी याद है कॉलेज में वहाँ पे इंग्लिश में लड़कियाँ पढ़ती थी खाली, डीएवी कॉलेज जो बॉयज़ के लिए था, खाली चार लड़कियाँ थी और वो एमए इंग्लिश में, और पूरी टीम ना उनकी दीवानी उन लड़कियों की। अच्छा। और कि ये एक तो अंग्रेज़ी बोलती है मतलब कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, ग्रेट है ये तो। और जैसे ही उन्होंने क्लास ख़त्म करके बाहर आना तो पूरी टीम अब से दरवाजे के पास खड़ी, गेट के पास, सरदार भी हैं उसमें, दूसरे भी हैं, कोई अपनी मूंछों को ताव दे रहा है ऐसे कि आ गई है यार मेरी, आ गई है। तो अपना जैसे उसने करीब आना तो सबकी आंखें नीचे, क्योंकि अंग्रेजी कोई बोल नहीं सकता, तो उन्होंने गुजर जाना, देखिया उन्हें तकिया सी ना मेरे वाल, कोई देख नहीं रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो चली गई अपना, तो मतलब 100 मीटर का फासला रख के आधी टीम ना साइकिल, वो साइकिल का जमाना था तो साइकिल पे पीछे पीछे, तो आधे घंटे के बाद आए, यार बड़ा ही लुत्फ आया आज, बहुत ही मजा आया, की होया घर छड्ड आए। अच्छा आप ये बताइए, आप जब दिल्ली आए, खालसा कॉलेज आपने ज्वाइन किया था, तो आपको बुलाया गया था किसी खास क्रिकेट की वजह से, या आपको आपने आप खुद आए और बाद में क्रिकेट ज्वाइन किया? नहीं, मैं अमृतसर में था डीएवी कॉलेज में जब वीर सिंह बांगी साहब वहाँ पे थे, तो जी उसके बाद खालसा कॉलेज से कुछ लोग मुझे मिलने आए, मैं उनको पहले कभी नहीं मिला था, तो उनमें प्रोफेसर लखमीर सिंह, प्रोफेसर लखमीर सिंह जी, हाँ। चलिए देखते वो क्या कहते हैं। जिमी, आप अब बॉम्बे में रहते हो, क्या आपको वहाँ हमारे घर में खाए हुए मक्की की रोटी, राजमा चावल और दही बल्ले याद आते हैं? छेती छेती कारा सारे तेरी वेट कर रहे हैं। अंदर इस समय मैं रूम नंबर 107 में बैठा हूँ, शायद याद आएगा तुम्हें, यही कमरा है जिसमें आप लोगों की क्लासेस हुआ करती थी। कॉलेज के साथ आपका संपर्क इतना है कि अभी भी टीचर्स आपकी बातें करते हैं, और एक रोल मॉडल, एक आइडियल स्टूडेंट एंड स्पोर्ट्समैन आप में देखा जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है ये कॉलेज। मेरे ख्याल से अगर मैं इस कॉलेज में ना होता तो शायद मैं ग्रेजुएशन ना पूरी करता, क्योंकि मिस्टर लखमीर सिंह, मिस्टर क्लेयर, इन्होंने बहुत मेरी मदद की पढ़ाई में। ये तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे ना? हाँ जी बिल्कुल, तो अंग्रेज़ी में जरा हाथ बहुत तंग था। आप उनके घर भी जाते थे ट्यूशन? जी हाँ, मैं खास ट्यूशन, एक्चुअली जी एस रंधावा साहब जो थे वो प्रिंसिपल थे उस टाइम जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि देखो बेटा यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वैसे पंजाब में तो हम नकल नुकल थोड़ी बहुत मारते ही मारते थे, थोड़ी बहुत क्या, थोड़ा पढ़ते थे ज़्यादा नकल नकल मारते थे, वो थोड़ा बहुत चलता था, तो उन्होंने कहा यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर मिस्टर लखमीर सिंह ने बहुत मदद की, मिस्टर क्लेयर, आप पंक्चुअल भी बहुत थे सुना, डैडी से आई ये क्वालिटी आप में? कुछ करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी लाइफ में। ये आप एक बार क्रिकेट 24 घंटे आप दोनों बात करते थे, एक साहब हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट, लेकिन जिंदगी मतलब कोई उनकी लाइफ में उनको सिर्फ 4 घंटे याद हैं जब आपने उनके साथ क्रिकेट नहीं की बट कुछ और बातें की। Really? मतलब ट्रैवल करते गए, ट्रकों में बैठे, पता नहीं क्या कहे, याद है आपको कौन है वो? कागज गिर गया हाथ से डैडी का, मतलब लाला जी से मिलने गए थे, पीछे आप भागे, फिर ट्रैक्टर में बैठे, फिर बस पे फेरे, फिर पैदल चले। आइए सर। Really? अच्छा आप वो बताइए इनको, अब किस्सा जो इनको शायद याद नहीं है। ऐसा है ना कि जब वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए ना 75 में, हाँ जी, तो उसके एक दो दिन बाद हम राय गए, लाला जी वहाँ क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, सारा दिन गप्पे लगती रही और 7 बज गए शाम को। 5 साल के बाद ये सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। सारी गप्पे बड़ी लगी और हम आकर बाहर फिर बस की वेट करने लगे, राय
बस स्टॉप पर लाला जी ने कुछ पेपर्स दिए थे बस चल रहे उसमें से वो इसके हाथ से छूट गए और जीटी रोड पर ना मिंदर जी स्प्रिंट लगा रहे थे और पेपर आगे आगे रहे पीछे पीछे फिर 200 गज पर जाकर पेपर इकट्ठे लाया एक एक करके इकट्ठे किए फिर उसके बाद और हमें बॉर्डर पर आकर बस मिली वो सोनीपत से आई जी और आजादपुर आते आकर ना वो ISBT के रास्ता लेने की जगह है मॉडर्न टाउन वाला वो GT रोड पर ही ले गया अच्छा हम नशे में कहीं भी चला जा रहा है फिर और बस जाकर पहले सिनेमा के बाद वो खराब ओ गॉड ऊपर से बस खराब फिर रात के 9:30 बज गए क्या करें वहाँ से पैदल मार्च किया पुल बंगे शायद 3-व्हीलर लिया 4 डिफरेंट मोड सही बात किए आपका कितना साथ रहा मतलब हाथ रहा इनके क्रिकेट में आई जस्ट ऑर्गेनाइज हिज स्टडीज के भी जो फरवरी और मार्च के बीच में इसने कैसे पढ़ना सारा साल तो मैं क्रिकेट खेलता था और स्टडीज के लिए लास्ट के 1-2 महीने होते थे एग्जाम्स के तो मुझे जूलियस सीजर पूरी रटी हुई थी इनके करके दे तो हाईएस्ट मार्क्स भी अंग्रेजी में जो भाषा आती नहीं वेलकम बैक मोहिंदर जी से बातें हो रही है अब आपके खास मेहमान हैं इनके वो एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे यू हैव टू गेस कौन है ये कह रहे हैं कि अगर आप एक जमाने पहले एक बस मिस नहीं करते तो आप असली बस मिस कर जाते कौन हो सकता है ये जी मेरी खूबसूरत बीवी है आप घर में क्या बहुत डांट के बुलाते हो नहीं प्यार से बुलाते हैं नहीं जी मैं प्यार से सुने कैसे बुलाते हैं कॉलर बेक्स बेको बुलाइएगा आप ही बुलाइए बेक्स आइए अच्छा वो जो बात हुई थी आज से 25 साल पहले अगर बस मिस नहीं होती वो शायद आपको मिस कर जाते तो दर्शकों को हमें वो कहानी सुनाइएगा प्लीज ये लीग क्रिकेट खेल रहे थे लैंकेशायर में और वहाँ आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर डॉक्टर और वहाँ आने से पहले इनकी फ्रेंडशिप हुई थी मेरी सिस्टर्स के साथ जी. तो जब उन्हें पता चला कि ये भी इंग्लैंड आ रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि आपका नंबर दे दिया कभी जाओ तो बात कर लेना हाँ. जाओ तो फोन कर लेना एंड ऑल दैट तो फिर एक दिन आई थिंक ही वाज प्लेइंग अ मैच समवेयर अप नॉर्थ एंड ही मिस्ड हिज कनेक्टिंग बस टू गो टू बर्नले एंड देन ही रैंग मी अप इन द हॉस्पिटल ऐसे 5 घंटे फ्री थे तो उन्होंने क्या करो फोन ही कर लो तो एम ही फोन कर दिया आपको बिल्कुल हाँ फिर तो फिर आई वाज ऑन कॉल दैट नाइट आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर डॉक्टर वर्किंग So then he says, I've missed my bus and can I come over? So I said, sure, you can. So I asked one of my doctors to go and pick him up from the bus station. So he says, but main pehchanunga kaise usko? Main to janta nahi. I said, main bhi nahi janti, maine bhi kabhi dekha nahi use. So then I thought, I said, haan, uske haath mein cricket bag zarur hoga. कितना स्ट्रेंज है कि आदमी बस स्टॉप पे खड़ा क्रिकेट बैट इज इट पॉसिबल कि ऐसे सोचा था बिकॉज़ ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम प्लेइंग अच्छा हां जी स्कॉटलैंड से मैं आ रहा था वापस तो बाय चांस इनके हाथ में थी और उन्होंने पहचान लिया यानी उसके बाद एंड ही सेड ही सेड बिकॉज़ ही रियली डिड हैव अ बैट इन हिज हैंड फिर आप मिलते गए ये छुपा के बिना पूछे डर के आपसे बाद में पूछूंगा मैं आपको बताए बिना कैसे शादी कर ली थी नहीं नहीं डर नहीं था एक्चुअली हाँ. वो मोहब्बत हो गई मैंने कहा मोहब्बत हो गई तो शादी भी कर ही लो और घर में बोलने के लिए डरते तो थे ना बिल्कुल जी फादर से बड़े भाई का फायदा उठाया हाँ सुरेंद्र वहीं पे था कि रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना था किसी के सिग्नेचर भी चाहिए थे आपको बुरा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा शादी हो गई अच्छा लगा बिल्कुल एक ड्यूटी तो लाला जी को कैसे मनाया आपने मनाने की जरूरत नहीं अपने आप मान जाएंगे जब घर में बहू आ जाएगी तो कितने लोग इंडिया में स्पेशली अपनी वाइफ को उसके बारे में या उसकी पर्सनल फीलिंग नहीं बता पाते हैं तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 25 सालों में आपने इनमें क्या पाया इनकी कितनी मतलब आगे नहीं बोलूँगा आपके आप बताइए एक्चुअली जी मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने हासिल किया है जी उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है जी
क्योंकि कभी कभी ऐसा वक्त आता था क्रिकेट के हिसाब से कि मैं सोच रहा था कि मैं रिटायर हो जाऊं क्रिकेट से, फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत आती थी, तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था कि मतलब कि हार नहीं माननी किसी चीज़ से, पीछे नहीं हटना और पुश करना कि ठीक है यू आर द बेस्ट काइंड ऑफ फीलिंग के साथ कि आप जाएं। और मेरे ख्याल से जितना सेक्रीफाइस इन्होंने किया मेरे लिए मेरे जीवन में, मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर सकता था। बिकॉज मुझे वो भी दिन याद है कि मैं हमेशा टूर पे ज़्यादा रहता था और ये इंग्लैंड में काम कर रही थी, तो विंटर के महीने में मतलब कि टेम्परेचर माइनस है और कौन कॉल है और सिमरन बहुत छोटी है 3-4 साल की, तो सडनली कॉल आ गई कि हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल जाना है, तो बच्चे को कहाँ छोड़ सकते हैं रात को, तो इसको कार में लेके चले गए और इसको कार में छोड़ दिया कि सो रही है, तो ये कार में उठ गई, ये रो रही है, चिल्ला रही है, ये अपने कॉल भी अटेंड कर रही हैं, तो इसको भी अटेंड कर रही हैं, तो इसका जो पालन पोषण है सिमरन का वो सब इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। कि हमेशा चाहती रही कि मैं अच्छा ही करूं और हासिल कर सकूं, बिकॉज इनको भी रियलाइज़ था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा था और मेरे को उस वक्त कुछ ये था कि आदमी जो कि मोरल बूस्टिंग करे मेरे, क्योंकि जो मेरा लाइफ पार्टनर है मुझे सहारा दे, मुझे बोले कि नहीं यू आर द बेस्ट, जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, एंड द ओनली वे कैन प्रूव पीपल रॉन्ग इज टू गो एंड परफॉर्म इन द मिडल। इसी बात पर कुछ फैमिली की तस्वीरें भी देख लेते हैं। वेलकम बैक महेंद्र जी, आपके 1983 के मैनेजर हमारे साथ हैं। ओह, आवाज देख बुलाते हैं, आइए सर। अरे पीटर, क्या हाल है? बस सब ठीक ठाक। वेलकम साहब, वेलकम। मैं जब 71 में इनके साथ गया था ईस्ट अफ्रीका जी, तो मैंने बोला था कि सर इसे नहीं, मुझे सर मत बोलो, मुझे पीआर बोलो या पीटर बोलो। स्वीट, पीआर या पीटर। अच्छा एक बात बताइए, ये एक अजीब सा लगता था कि कभी जब ज़रूरत पड़े तो महेंद्र है टीम में, जब ज़रूरत नहीं पड़े फिर ड्रॉप, फिर कैच, फिर ड्रॉप, फिर क्या है, क्या किस्सा क्या था, आप बताइएगा। ये मेरे को लगता है कि ये जो नाम है अमरनाथ, हाँ, वही कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। और वो जिसके साथ भी अटैच होता था, हाँ, तो एक किस्म की लेगेसी बन गई थी। तो आप भी एक सिलेक्शन कमेटी में कभी नहीं थे? आप नहीं सिलेक्शन कमेटी में कभी, आप तो हमेशा मैनेजर थे। अच्छा था, नहीं थे, नहीं तो मैं इनको भी इनको भी वो बोल देता। अच्छा, आपको याद है कि दुनिया, मैंने सुना था कि कोई लोग आँख खुली और कान बंद करके सोते? हाँ बिल्कुल। जिमी जब हमारे साथ ईस्ट अफ्रीका आए थे तो उसको म्यूज़िक का बहुत शौक, हाँ, और ख़ास करके मुकेश के गानों का। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं और जिमी शेयर कर रहे थे, हाँ, तो मैं कमरे में झांका तो देखा टेप रिकॉर्डर ऑन है, मुकेश के गाने बज रहे हैं और जिमी जो आंख खोल के सो रहा है, ये इसकी आदत थी। म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत थी। अच्छा सर, जब ज़रूरत पड़ती थी तो यहाँ कैप्टन हमेशा बोलते थे यार हम वहाँ नहीं जाएंगे अगर जिमी नहीं है इस टीम में। नहीं, जिमी का पोजीशन इंडियन टीम में इतना स्ट्रांग था कि किसी को बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं, अगर कह भी दिया तो बिल्कुल सही कहा। एक बार आपने कुछ इंग्लिश में चिकन, माउंटेन चिकन पढ़ा था कहीं, वो क्या निकला था? वो ये पूछो, उस वक्त आपके साथ मौजूद कौन था? एक साहब बाहर खड़े हैं, कह रहे यार वो मेरे चक्कर में मेंढक खा गया। नाम क्या हो सकता है उनका? मेरे ख्याल से जी मैं समझ सकता हूँ कि ये
किरमानी साहब हो सकते हैं। आइए। हमारी टीम आ गई। क्या हाल चाल? कैसे? गुड टू सी यू। चलिए आप आ जाइए। राधी बाप। थैंक यू मच। रे ब्रदर। शेर बब्बर। क्या हाल चाल? वेलकम टू जीना इसी का नाम है। एक ये जो चक्कर है आपका, ये माउंटेन में चिकन मुर्गी जो है वो मेंढक कैसे बन जाती है भाई? हैदराबाद में तो ऐसा नहीं होता। यही तो हम लोग सब वहाँ पे एकदम हैरान हो गए। याद है जिम्मी, अपन होटल में जाके मेनू मंगवाया, उसमें हाँ। देखा कि भाई माउंटेन चिकन, वाह माउंटेन चिकन क्या होती है, अभी कभी देखे नहीं हमने माउंटेन चिकन। सिर्फ घर में मुर्गियाँ वगैरह देखते रहे, माउंटेन चिकन कैसी रहती है बोल के हम लोग ऑर्डर कर दिए। इन्होंने बोला गया पहाड़ी मुर्गा बड़ा रहेगा, मुर्गा शुरगा वाला। बहरहाल मेरे को थोड़ा सा डाउट था ये माउंटेन चिकन में, तो देख रहा था भाई इन लोग क्या खाएंगे, क्या मंगाया। मैंने वेजिटेरियन डिश मंगा ली, याद है? ठीक है, तो ये बड़े मज़े से माउंटेन चिकन आ गया, खा गए। तो निकले बाद से मेरे को थोड़ा सा हल्का सा डाउट आ गया कि भाई ये व्हाट इज़ माउंटेन चिकन, आई वुड लाइक टू नो। तो जाके बेरर से पूछा मैं कि भाई ये व्हाट इज़ दिस माउंटेन चिकन ऑल अबाउट। हे यू डोंट नो मैन व्हाट अ माउंटेन चिकन इज, यू नो हाउ द वेस्ट इंडियन टॉक, द टिपिकल एक्सेंट, It's a frog, man. Frog legs, man. Hell, frog. Frog का leg as big as a chicken. अच्छा इनकी जो आँखों के चक्कर में वो जो एक लड़की, हाँ वो बैठी, बिकॉज सुन रही हैं क्या? नहीं चले गए। तो याद है 1967 अपना इंग्लिश टूर इंडियन स्कूल्स टीम का कंबरलैंड गेस्ट हाउस जो था वहाँ पे, वहाँ पे जो पार्ट टाइम जो लड़कियाँ आती थी काम करने के लिए, वहाँ पे तुम्हारी रसीली आँखों पे जो गिर गई थी वो। और उसके बाद 1976 का कुछ याद है आपको? हमारा डेब्यू सीरीज था न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़, फर्स्ट वी वेंट टू न्यूजीलैंड। तो जाके मैंने नॉक किया, इनके बड़े भाई भी थे उस टाइम पे, और ये दोनों भाइयों इतने they were like friends. Knock किया तो दरवाजा कोई लड़की खोली, बोला भाई I've come into a wrong room. No, Jimmy is here, she said. दरवाजा खोले तो 6-7 लड़कियां बैठे हुए हैं, और मुगलिया माहौल था वहाँ पे, जैसे बादशाह अपने आंग टांग पे धारे खुखा पी रहा है, और अतराफ कोई लड़की बाल इधर से बाल बना रही है, कोई इधर से। ये आप ज्यादा कर रहे हैं, ये नहीं यार, ये सच है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, उधर बोल दीजिए, बिल्कुल सच है। सच के सिवा कुछ नहीं। और हमें याद है कि एक बार हम वेस्ट इंडीज के, तेरे को याद है कि हम वेस्ट इंडीज के साथ मैच कर रहे थे जलंधर में, इनको तंदूरी चिकन खाने का बड़ा शौक। हाँ, एक बार तो मेंढक खा चुके हैं। एक बार खा चुके तंदूरी मेंढक। हाँ नहीं तंदूरी मेंढक। तो जब उन दिनों में क्या होता था कि आप ना जब साइन कर दे बस जो भी खाना आप साइन कर दो, तो वहाँ तो यार दोस्त आते थे पंजाब में, कैसे आते हैं यार दोस्त, 5 नहीं 6 नहीं 10, हाँ भाई तंदूरी चिकन आ रहा है, तंदूरी चिकन आ रहा है। 5-3 दिन का मैच था, पता नहीं कितने 50-60-70 सूट तंदूरी चिकन खा गए होंगे सब मिल के ला के। तो बाद में हमारे एक ऑनररी सेक्रेटरी होते थे मौला साहब, तो वो जब बिल साइन करे जा रहे तंदूरी चिकन तंदूरी चिकन तंदूरी चिकन, कहता यार गल सुन मदन, ये तंदूरी चिकन कौन खा गया है, सारे जलंधर से चिकन खत्म करते हैं। ठीक ठाक है, तो कहता यार की कर रहे हैं शाम, मैं यार शाम मैं कुछ नहीं कर रहा, कहता आ जा फिर अज मैं शादी कर रहा। मुझे याद है कि छोटे से शहर लुधियाना से लड़का, कुछ ज्यादा इंग्लिश नहीं आती और एक्सपोजर भी नहीं है क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी की ट्रायल पे जा रहा है, तो इनको पता नहीं क्या दिखा मेरे में, सिलेक्ट हो गए, पहला मैच खेल रहा हूँ,
जो जो चीज़ें इन्होंने बताई उस मैच में, मेरे दिल में तब से और आज तक, मैंने कई क्रिकेटर्स के साथ बहुत सारा खेला और 7-8 साल बहुत अच्छे गुजारे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी, मेरे ज़ुबान से कहीं थोड़ी सी भी आवाज़ ऊँची निकली होगी, क्योंकि मुझे एक वो मेरे दिल में उतर गया था ये इंसान, कि ये एक बिना किसी मतलब के, कि एक कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, और ये कुछ यंगस्टर्स के लिए कुछ करना चाहते, तो दैट पेड मी अलॉट। क्योंकि जितनी ज़्यादा वो मुझे उस समय इनक्रेजमेंट मिली, वो मेरे को काफ़ी ऊपर तक, उस मंजिल तक ले गई जो कि यंगस्टर्स अपने तमन्ना करते हैं कि मैं देश के लिए खेलूं। 1983 के आपके कैप्टन कपिल देव जी, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे। ग्रीन रूम जाने से पहले इनका मैसेज सुनते हैं। हाय जिमी, कंट्रोल पाजी, सब कुछ नहीं दसना, इट्स वंडरफुल नोइंग यू, बट तुसी बड़ी चीज हो। आई होप यू आर कैरिंग योर रेड रुमाल विद यू, एंड बाकी सीक्रेट वी विल शेयर इट अमंग आवर सेल्फ। एंड बड़ा मजा आया तुहाडे नाल खेल के। आई होप यू एंड योर वाइफ हैव अ वंडरफुल टाइम। बाकी बल्ले बल्ले, एंड आई वांट टू सी यू सिंगिंग ऑल द टाइम नाउ। गुड लक, हैव अ ग्रेट लाइफ, वी आर विद यू। आप कुछ सीक्रेट बात कर रहे थे, ये कुछ जवाब में कहना चाहेंगे बिफोर वी गोइंग टू गो टू द ब्रेक? जी हाँ, कपिल और मैंने बहुत वक्त साथ में गुजारा है और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, और ही वाज अ ग्रेट टीम मैन, ग्रेट फ्रेंड, एंड मेरे ख्याल से ऐसे लोग कम मिलते हैं जिंदगी में। सही बात। और जो उन्होंने किया क्रिकेट के लिए, और मेरे ख्याल से ये एक इंसान ऐसे हैं जो दोस्त के लिए हमेशा तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनके इन शब्दों का जो उन्होंने मेरे लिए कहे हैं। और मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव प्ले गॉड। वेलकम बैक जिमी की फैमिली से बातें करके बहुत खुशी हो रही है, उनके 83 की टीममेट्स हैं। अच्छा, एक साहब हैं बाहर, वो कहते हैं कि वो आपको रॉकस्टार बुलाते हैं। संदीप चौटा। Hi Sandeep, क्या हुआ? How did you make a cricketer sing? The first time I walked into Jimmy's house. जी. I mean, I didn't know this is Jeena Amarnath, the cricketer, okay, that I've idolized, the man with guts, the cricketer with guts. I walked into his house at 11 in the night. And if someone's playing Mukesh's songs at 11 in the night, he's either got to be a singer or loves music. Jimmy has a great voice. He knew his short breakdown of what he wanted to use, how he wanted to mix. Short breakdown of a direction? Yes. Of a video? Of a video, yeah. अब तो वीडियो का कुछ क्लिपिंग देखना ही पड़ेगा, दिखाइए प्लीज।
कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय टीम है, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है. हम भारतीय जो हैं वो सबसे दुनिया में अच्छे हैं, बेहतर हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ है ज़रूर कि अगर खिलाड़ी वतन के लिए खेले, अपनी टीम के लिए खेले कि बजाय अपने लिए खेले, तो मेरे ख्याल से वो टीम को कोई हरा नहीं सकता. और इस टीम में टैलेंट है, हुनर है, हर चीज़ मौजूद है. आप वतन के लिए खेलें, देश के लिए खेलें, और गुड लक गाइस. ग्रेट. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत मजा आया. थैंक्स सर. केक लाइए प्लीज. खेले हैं ये जिंदगी की पारी बड़े शौक से, हैं हम सब भी मुतासिर इनके जौक से. मोहिंदर का नाम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा बड़ी इज्जत से लिया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि अपनी जिंदगी शौक से जीते रहे. नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इसी प्रोग्राम में. जीना इसी का नाम.